स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं आपकी होस्ट महा जावेद, हमारे साथ मौजूद हैं रिदा बतूर। अब हम जानेंगे कि रिदा कौन कौन से एक्सचेंज प्रोग्राम्स का पार्ट रह चुकी हैं और ये हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या अपॉर्चुनिटीज उधर जाकर एक्सप्लोर की हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके स्कॉलरशिप रिलेटेड हैं तो आज हम एड्रेस करेंगे। तो कैसी हैं आप रिदा? सबसे पहले मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। मैं क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी के प्लांट साइंसेज डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हूँ और अभी मेरा सिक्स सेमेस्टर है और मैं सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज और ग्लोबल यूग्रेड फॉल 2023 की प्रिंसिपल कैंडिडेट और फाइनलिस्ट हूँ। दैट्स ग्रेट टू हियर। कि हम सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये एप्लीकेशन ओपन कब होती हैं और एलिजिबिलिटी क्या है इनकी? जी, एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जब आप डिपार्ट करें तो उस टाइम आप लास्ट ईयर में ना हो, ये है। और इसके लिए आपको ग्लोबल यूग्रेड पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान के फेसबुक पेजेस को लाइक करना चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी और ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूग्रेड किन बच्चों के लिए होता है, आप क्या समझती हैं? ये यूग्रेड उन बच्चों के लिए होता है जो कि एकेडमिक्स में तो अच्छे हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा को करिकुलर और उनकी जो है अपने स्किल्स पर बहुत भी उनका ग्रिप होती है। और ये उसमें ये है कि आप ये फीमेल्स को और जो कि अनप्रिविलेज्ड एरियाज हैं जैसे बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, रूरल सिंध, ये उन लोगों को ज़्यादा इंकरेज करते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक हो गया। तो सपोज अगर मैं एक स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, वो एप्लीकेशन देखता है, तो उसको सबसे पहले जो जहाँ पर बैरियर फेस करना पड़ता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। व्हाट वुड यू गाइड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दैट? पर्सनल स्टेटमेंट जो है मैं कहूँगी वो 250 वर्ड्स की होती है और इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये समझे कि ये 250 वर्ड्स आपका वीजा है यूएस जाने का। तो इसमें यह है कि आपको जो राइटर आपकी एसओपी पढ़ेगा ना, उसको वो इतना एक्साइटेड हो आपसे मिलने के लिए वो 250 वर्ड्स के बाद में कि वो चाहे कि इंटरव्यू हो और ये बंदा मेरे सामने आए और मैं इससे बात करूं। तो इसको आप लाइटली ना लें और जो मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इसे लिखने के टाइम, वो ये करते हैं कि वो AI और ChatGPT या प्लेजराइज मटीरियल वहां से आप बिल्कुल भी नहीं करें। और किसी, ये आपका अपना होता है, ये बिल्कुल पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप एक एल्यूमिनाय से इसे रिव्यू कराएं, मैंने भी कराया था, लेकिन आप किसी और से ना लिखवाएं, खुद लिखें क्योंकि किसी और को नहीं पता कि आपके आपकी यूनिकनेस क्या है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आप अगर हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, पर मैं जानना चाहूँ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में? सिस्टर टू सिस्टर में मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो साउथ मेथोडिस्ट डेला टेक्सास में हुई थी, लेकिन मैं गई थी ग्लोबल यूग्रेड पाकिस्तान फॉल 2023 में, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो मॉस्को में गई थी। ओके, तो वहां पर मैं जानना चाहूंगी कि वो सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करेंगे कि हम आपको बुलाएं या वापस आके अपने कंट्री में, तो आपने कैसे आंसर किया? इसमें आपको बहुत ही जो है उसमें पाकिस्तान की टॉलरेंट और अपनी हमारी ऑनेस्ट इमेज दिखानी है कि हम जो है बहुत फ्रेंडली लोग हैं। हाँ। और हम एक पाकिस्तान एक डाइवर्स कल्चर है, पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और हम रिच इन कल्चर है, तो हम अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि यूएस और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज है या बायलेटरल रिलेशन वो फर्दर स्ट्रांग हो। तो आप जितना वो अपनी एप्लीकेशन में पॉजिटिव अपना इमेज जो है उनको होगा। क्या ये जनरलाइज होना चाहिए या हम इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट शोर तो नहीं है ना कि इसमें क्या करना है। हाँ, लेकिन आप जितना स्पेसिफिक हो, यूनिक आइडिया हो और रियलिस्टिक हो तो आप जरूर इसको मेंशन करें। ओके, अच्छा, देन हमारे पास कुछ पंजाब के स्टूडेंट्स का हमेशा से आता है कि यार हम सिलेक्ट नहीं होते हैं, बाकी एरियाज के हो जाते हैं, तो हाउ वुड यू इनकाउंटर दिस? ऐसा नहीं है, मतलब हर प्रोविंस की ना सीट्स होती हैं या हर प्रोविंस से उनको बच्चे चाहिए होते हैं, तो मेजोरिटी तो मैंने ये देखा कि पंजाब के लोगों की थी, पंजाब के स्टूडेंट्स की थी। तो ऐसा नहीं होगा, हम इंकरेज करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें और इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन योर इंटरव्यू। सो ये एक मिथ है, इसको मतलब छोड़ दें आप। अच्छा रिदा, मैं जानना चाहूंगी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियली क्या ये फुली फंडेड है या क्या सीन है? ये फुली फंडेड है, ये आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, आपकी ट्यूशन पे करते हैं, इतना कि आप जब मतलब आप प्रोफेशनल, आप जब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने आते हो तो ये आपको आपका जो टेट का वो होता है ना, मतलब आपका जो भी एक्सपेंसिस होते हैं ये आपको वो करते हैं, आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं देना। तो आपका बेसिकली खर्चा लगा कहाँ कहाँ पर? अगर कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी नहीं। ओह नाइस, ये तो बड़ी काम की चीज है गाइस। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश लेवल, इंग्लिश टेस्टिंग के हवाले से करना, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं कि एप्लीकेशन आगे मूव होती है तो आपकी वो खुद से एक होती है टॉफिल होती है ITP, वो आपकी यहाँ पे होती है USUFP की ऑफिस में और उनकी भी वही फीस पे करते हैं। और उसके बाद अगर आप जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी उसकी एक और एडिशनल इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर थी तो उन्होंने वो मुझसे ली थी, तो उसका भी आपको इशू अभी नहीं है कि आपने अभी देनी होती है। नहीं,
अच्छा इसके बाद रिदा अगला क्वेश्चन जो यूजुअली स्टूडेंट्स आस्क इज लाइक क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प करती हैं हमें यूग्रेड में? बहुत हेल्प करती हैं। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो सेमेस्टर पढ़े हुए थे तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं कैसे। मैं इंकरेज करूंगी कि आप जो है यूनिवर्सिटी के जो सोसाइटीज है उसका पार्ट बने और उनसे आप बहुत चीजें सीखते हो। हाँ, कम्युनिटी सर्विसेज का आपने पैशन हो तो रिदा अगर मैं पूछूं बेनिफिट्स क्या मिले हैं आपको, आप क्या महसूस कर रही हैं पहले की रिदा? बहुत सारी आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग होती है। आप वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हो, आप यहाँ से अकेला इतना दूर जो है आप एक सफर शुरू करते हो और आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में होते हो और आप बहुत सारे क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। तो मैं कहूँगी आप एक यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। इधर आपके फैमिली का और उनका रिएक्शन जानना चाहूंगी। शुरू में क्योंकि एज अ फीमेल परमिशन मिलने में बहुत ही वो मुझे भी हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको, लेकिन फिर मान जाते हैं और बाद में इट्स अ वर्थ प्रोग्राम का यू शुडंट मिस इट राइट। ओके मैं पर्सपेक्टिव बेसिकली जानना चाहूंगी वहां के लोगों का हमारे बारे में, स्पेसिफिकली आजम यूनिवर्सिटी का कुछ आपको लगा कि क्या पर्सपेक्टिव बना हुआ था? सबसे पहले तो जिनसे लोगों से मैं मिली, मैं पहली पाकिस्तानी थी जिनसे वो लोग मिल रहे थे तो ये है कि आप पाकिस्तान की इमेज बनाओगे, आप उनसे इतना फ्रेंडली होगी, आप इतने पॉजिटिव और ऑनेस्ट होगी कि हमारे मुल्क की अच्छी इमेज बनेगी और यही इस प्रोग्राम का जो गोल है वो यही है। ठीक है, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स हमें कब श्योरिटी हो जाती है, ये स्टेप्स कैसे आते हैं, कितने अरसे बाद रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से तो डॉक्यूमेंट्स बच्चे रेडी करें? सबसे पहले तो एप्लीकेशन के टाइम आपके पास अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हो और आपके पास पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती, वो आपको बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो आपको वो कहते हैं कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और डॉक्यूमेंट्स यही ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए एफएससी की और यूनिवर्सिटी की। ठीक है, लाइक पासपोर्ट का इतना मसला नहीं होगा? नहीं, अभी मतलब अभी जरूरत नहीं। ओके, इंटरव्यू में कहाँ पर आपको क्या क्या सवाल पूछे गए थे वहाँ पर? इंटरव्यू में ये है कि वो आप जो आपकी जो प्रोफाइल है ना तकरीबन उसी में से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वो भी यहीं पे ही होता है, यूएसडीएफपी के ऑफिस में होता है। तो उसमें आपके बारे में और वो कहते हैं कि आपने जो मतलब लिखा है वो आप खुद हो के नहीं है, वो ये प्रूफ मैच करते हैं। हाँ, वो इसमें यही चीज होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में पूछूं तो आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? लाइक सबसे पहले आप लोग फर्स्ट टाइम आपका आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल था राइट, तो ये कितने महीने थे और ये किस तरह टाइम? ये यूग्रेड में ये होता है कि दो किस्म की सिलेक्शन होती है, एक यहाँ का प्रिंसिपल कैंडिडेट होते हो या अल्टरनेटिव कैंडिडेट होते हो। तो मैं प्रिंसिपल कैंडिडेट थी फॉल की और इसके ये दो हिस्सों में होता है, एक लोग जाते हैं फॉल में 54 बंदे और बाकी भी 54 जाते हैं स्प्रिंग में। तो जो फॉल वाले होते हैं जैसे मैं थी, हम गए थे अगस्त टू दिसंबर और जो स्प्रिंग वाले होते हैं वो जाते हैं जनवरी टू मई। तो अगस्त टू दिसंबर मेरी ड्यूरेशन थी और मैं ये कहूंगी ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम था जिसमें मैं बहुत सारी स्टेट्स घूमी, वाशिंगटन डीसी, एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड। यस, एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड, या लाइक इट इज आल्सो स्पॉन्सर्ड, लाइक जैसे हमारे हॉस्टल में होता है वहाँ इडली होता है और वो आपको कार्ड देते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपने वहाँ के सिस्टम में ऐसा क्या चेंज महसूस किया जो कि आप यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी? मैं कहूंगी जो चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है वो हर काम दिल से करते हैं और वो अपना 100% देते हैं। सो ये वो डिस्क्रिमिनेशन थी वहाँ पे? नहीं, मैंने कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि आपके कितने भी फ्रेंड्स वगैरह वहां पर बने होंगे, बहुत, तो क्या वो काउंट हो रहा है आपका अभी के? हाँ, आप अमेरिका मल्टी कल्चरल कंट्री है, सिर्फ अमेरिकन से दोस्ती नहीं होती, वहां पे बहुत सारे हर मुल्क के इंडियंस मेरे बहुत अच्छे, श्रीलंकन, नेपाली, बांग्लादेशी, अरब, अफ्रीकन, ये मैं कहूंगी हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, लाइक क्लस्टर पूरा है। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते हैं लेकिन वो नहीं होता, डिमोटिवेट हो जाते हैं? ये होता है कि आप अपना देखें कि आप लेग किधर करें। अभी मेरी एक फ्रेंड है जो एक एक्सटेंड प्रोग्राम में अप्लाई करी, अब उसका तीसरा टाइम तक वो अप्लाई नहीं कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि आई वॉन्ट टू रिव्यू यूर प्रोफाइल। तो मैंने उसको देखा कि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट उसने लिखी हुई थी अपनी स्टेटमेंट में, जो कि अभी उसने फिर मैंने उसे कहा कि दिस इज नॉट गुड, तो उसने उसको चेंज किया और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक्सटेंड प्रोग्राम में इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्ट हो गए। बहुत अच्छा है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने आपको रीच आउट करना हो रिगार्डिंग दिस, फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया तो वो दैट भी हेल्पफुल कि अगर मैं आपसे रिव्यू करवा, अगर हमारे स्टूडेंट्स देखना चाहेंगे जरूर, तो आपका हम इंस्टाग्राम या कुछ कॉन्टैक्ट मेंशन कर देते हैं इस ब्लॉग में, आई मीन पॉडकास्ट में। तो थैंक यू सो मच रिदा फॉर योर टाइम एंड गाइज आप लोग इनको रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे इनको रीच आउट कर सकते हैं, तो वी आर देयर फॉर एड्रेसिंग योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच काइडियन मंस, काइडियंस फॉर एवर। थैंक यू।
Thank you.